हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये बहुत रैंडम मेरा व्लॉग है। तो आज ये हुआ है कि मुझे और विशाली को छुट्टी मिली है बड़ी मुश्किल से। तो हमने डिसाइड किया है कि आज हम अपना पूरा दिन बाहर गुजारेंगे। हमें ये नहीं पता हमने क्या करना है। तो और अब हम जा रहे हैं हाई स्ट्रीट, क्योंकि हमने सुबह से चाय नहीं पी है और ये चाय की दीवानी है। तो अब हम जाएंगे, पहले चाय वाय पियेंगे, देन डिसाइड करेंगे कि पूरे दिन हमने कि इस बेलेबंती में क्या करना है। सो और तो अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं। बस ये रैंडम ब्लॉग है, बट आज हम बहुत मज़े करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम दोनों को एक दिन में डे ऑफ मिली है ना। और बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? So happy when you got a day off after long time from work, from study. बाहर भी जाना चाहिए, दुनिया खूब, जिंदगी एक है, बार बार नहीं मुड़के आना इस धरती पे। या जिंदगी नहीं मिलेगी तो बराए। So guys, आज ना बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी धूप निकली है, नहीं तो कल का मौसम हो भाई साहब माइनस में जा रहा था। तुम्हें पता नहीं है, और जो लोग मुझसे जुड़े उनको ये भी पता है कि मुझे ठंडियाँ नहीं पसंद बिल्कुल भी। सो भगवान की कृपा से आज थोड़ी सी धूप है, पर तभी भी बहुत ठंड है। तो अब हम भी जा रहे हैं हाई स्ट्रीट। अब तो ये हाई स्ट्रीट की तरफ हम पैदल जाते हुए, ये विशाली हमारी फुल 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 मॉडल बनते हुए देख रहे हो तुम लड़की को, फुल फुल खतरनाक होती जा रही है ये दिन पड़ती। ये तो रोज भी कर रही हूँ ना मैं ब्लॉग में। सो गाइस, हम ना हाई स्ट्रीट आ गए। हाई स्ट्रीट ये यहाँ पे का हंसलो हाई स्ट्रीट है, और यहाँ पे सारे ब्रांड्स के कपड़े एंड शूज़ वगैरह सब मिलते हैं। तो जब भी हम फ्री होते हैं तो हम यहाँ जाते हैं टाइम पास करने के लिए। रे अंदर नहीं जाना तू, कॉफ़ी पे विशाली प्लीज़ यार, टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे ना पीछे से छोटे गोरी है, अब मुझे नहीं पता किसकी छोटे गोरी है, पर मैं उनको अपने उसमें ले लेती हूँ ब्लॉग में, किसी चीज़ की तो शूटिंग हो रही है। आई डोंट नो कि उसमें एक्टर एक्ट्रेस कौन है, बट शूटिंग हो रही है। मेरे पीछे तो पूरा सेटअप लगा हुआ है, मैं भी चली जाती हूँ, बोलती हूँ मुझे भी। तो हम जाने वाले हैं कोसरा, और कोसरा में जाके देखने वाले लड़के मस्त। हम ना कोसरा आए थे, और ना हम ना रेगुलर यही कोसरा आते हैं। तो यहाँ पे की जो स्टाफ है ना, पहुँचाने लगे, ये रोज़ आते हैं और रोज़ हमसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोस्टा गार्ड है या नहीं, तो आज उन्होंने खुद ही हमें दे। तुम हमारे सबसे ज़्यादा वीक करते थे, तुम मुझे कोस्टा गार्ड लो। तो क्लास हमने यहाँ पे अच्छे दोस्त बनाए हैं, तो दूर से देख के हमें बता अच्छे आदत हमें लगे, एक लाटे एंड एक वन हॉट चॉकलेट। सो हम वेट कर रहे हैं, और मेरी जो वेटर है लाइट ले ला कि मैं उसका कुछ नहीं करती, वो मेरे लिए अभी देखो लेके आएगी, उसमें शुगर भरेगी डाल के सब कुछ ला के मुझे लेके आएगी आराम से। मैं कभी ज़िंदगी में कभी भी वहाँ पे कॉफ़ी लेने नहीं गई, विशाली जाती है हमेशा, और वो बहुत अच्छी है, वो मेरे सारे काम करती है, गुस्सा भी नहीं होती इस बात पर, जितों की नहीं जाती। सो गाइस, हमारी ना कॉफ़ी हो गई है ख़त्म, और मेरी तो हो गई, ये ऐसे पीती है जैसे इसके बाद बहुत बथरा टाइम पड़ा हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, उस जगह का नाम क्या? SKB श्री कृष्ण बड़ा पाव, श्री कृष्ण जो भी है बड़ा पाव पर। सो हम जा रहे हैं बड़ा पाव खाने के लिए, और वो सच में टेस्टी होता है, हमने एक बार ट्राई किया था स्पाइसी। इसको समोसे खाने, समोसे की मारी, ये इंडियन नारी नहीं, मैं भी इंडियन नारी। तो हम जा रहे हैं, हम तुम्हें पता है ना कि मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारी अनप्लान थिंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम जा रहे हैं हाई स्ट्रीट, और हाई स्ट्रीट में आज बहुत भीड़ है। सी क्रिसमस, या क्रिसमस है ना, सी तो उसकी तैयारी हो रही है। तो हम हाँ यार, क्रिसमस के पीछे चला गया, तो कोई बात नहीं। सो गाइस, ट्रेनिंग ट्रेनिंग बहुत भीड़ है, इसके बीच में तो खुशी में जाना पड़ेगा। हाँ, ये इसकी ना कॉफ़ी कभी ज़िंदगी में नहीं ख़त्म होगी।
फिर बहुत ज़्यादा है ठंडी भी साथ साथ। तो आज हम प्लान कर रहे हैं कि हम मूवी देखने जाएं, तो मूवी देखने हम इधर जाएंगे, बाद में डिसाइड करते हैं कौन सी मूवी देखनी है, अभी कोई डिसाइड नहीं है। अभी हम जा रहे हैं बड़ा भाव खाने, प्रॉपर इंडियन है कोई, अपनी वो जो इंडियन वाली चीज़ है ना वो कभी छोड़नी नहीं हमने। हाँ, हम कभी पिज़्ज़ा खाने नहीं जाते, कभी बर्गर खाने नहीं जाते, ना 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 ना, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। पता नहीं आपके लोग कैसे खाते आए, चलो कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको आदत ही ये चीज़ की है। तो हम चले जहाँ भाई, सब ना आ गए हैं और ना चली गई दो बार से। यही है मेरी वेटर, यही लाती मेरे लिए सारे खाने, अब ये वहाँ पे गई है। सो गाइस, हमने डिसाइड किया है कि हम दो बड़े पाव और एक समोसा लेंगे, और विशाली हो गई है खड़ी लाइन पे, और वो ही लाएगी अभी मेरे लिए ऑर्डर। सो गाइस, तो ना ये मुंबई वाला वड़ा पाव है, और ये हमारे समोसे, और ये अच्छा, मुझे ना सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये लगती है कि उसमें मिर्ची देते हैं, ये मेरा फेवरेट, खा सकते हैं। मैंने विशाली को रुका हुआ था कि पहले मुझे ब्लॉग बना दे, तब खाइए तू। रुको, अभी ये खाएगी, खाइए मेरे फोटो। मिर्ची भी खाइए। अच्छी बात है, हेलो गाइस। तो हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम मॉल आए, पर हम ना गई इसके चक्कर में, ये इसको कुछ ख़रीदना नहीं होता, इसको बस जाना होता है, देखना होता है। हम दोनों क्या करते हैं, हम जाते हैं और टाइम पास करके वापस। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं सिनेमा साइन वर्ड में, और हम ना मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, भगवान करे कोई अच्छी सी मूवी लगी हो। और ये है यहाँ पे साइन वर्ड, इधर अंदर से इधर के साइड फ्लैट्स बने हुए, अच्छा है सी। ये मैं हूँ, ये है विशाली लड़की पागल लड़की। उन्हें पता है तू है, यू मोस्ट वेलकम डार्लिंग। वाओ, सो अभी हम डिसाइड करेंगे कौन सी मूवी देखनी है, यहाँ पे देख देख कौन सी लगी हुई। विशाली को बड़ा डर लगता है इस बारे में, विशाली का विशाली हमें नहीं है इसमें नहीं बैठे। सो हम जा रहे हैं अभी, और हमने ली है एक हॉलीवुड मूवी है, मैं टिल्डा करके है, मैंने ना उसका ट्रेलर देखा था, एंड विशाली तो मैंने सोचा वो अच्छी है, तो मेरे को देखना है। ये मुझे बड़ा पसंद है यार, ये मुझे बड़ा पसंद है, ये स्क्रीन ना ऊपर की मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ऐसी फील आता है इसके ऊपर। आपको पता है यहाँ पे ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, एंड द मूवी इज़ नॉट ओवर येट माय फ्रेंड बाय द शाहरुख खान। सी नहीं बॉलीवुड हर जगह ये लड़की ना, हमेशा इसको पहले जाना होता है, इसको पता नहीं कहाँ जाना है, पर लेट्स सी हम जाने लगे अंदर। अब शायद हमें इसको पुल करना है, पुल पुश नहीं करना। हाउ कैन आई पुल इट यार, रुक जा एक मिनट में, देखिए वे हेल्प कर दिया। अभी रेडी नहीं हुआ, अभी पूरे 20 मिनट है विशाला, तो बैठ जाते हैं। इट्स ऑफ, हम यहाँ पे बैठ के करेंगे क्या, हम पहले चले गए हैं, पूरे 20 का कोई बात नहीं, टाइम पास करते हैं। तो ये है यहाँ पे का सिनेमा हॉल, और ये विशाली दिखेगी नहीं क्योंकि लाइट नहीं अभी ऑन हुई है। सो अभी टिकट देख लेते हैं, पीछे बैठ जाते हैं। गाइस, बेइज्जती वाली बात हो चुकी है, कोई नहीं आया और हम अंदर जाके पहले बैठ गए। मैंने इससे बोला कि बाहर पर रह के हम वीडियो बनाते हैं ना, इसको अंदर बैठ के पॉपकॉर्न खाने थे, पागल लड़की सी। अभी मैं और ये बाकी पूरे हॉल के अंदर कोई नहीं है, शांति और मिलनी चाहिए।
यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे ये हम दोनों बकचोदी करते हुए ना इंडियन है ना, हम शो भी तो करेंगे. और ये पूरी स्क्रीन है बाकी अंदर. अब वेट करें कि मूवी कब चालू हो, कब दिखे हो. हमारा चौथे का डांस टॉयलेट में आके तो गाइस अब हम जा रहे हैं एज़रा इसकी शॉपिंग के लिए. मुझे नहीं पता इसे क्या खरीदना है, इसे कुछ खरीदना भी नहीं है, झूठ बोल लिया. बस वहाँ पे जा रहा है. जो एज़रा ये यहाँ का बड़ा स्टोर सी, मुझे समझ नहीं आता लेना क्या है. तो क्या ले रही है? नहीं यार मुझे चिकन के उधर जाना पड़ेगा, मुझे चिकन ले. ये ब्रेड खरीदते, ये ब्रेड बहुत अच्छे हैं. सुबह के लिए ले ले जब तो सुबह जाती है. हेलो गाइस, तो हमने कर लिया शॉपिंग. और दिखा शॉपिंग दिखा. ये हमने घर का और हमने घर का राशन खरीदा है. मैंने तो ये डस्टबिन खरीदा है, काफ़ी दिन से मुझे चाहिए था. ठीक है, इसकी अलग प्रॉब्लम है. बाकी गाइस अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो कीप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड ऐसे मुझे प्यार देते रहो. आई लव यू. बाय.